लुधियाना के MLA मदन लाल बग्गा की तरफ से सलेम टाबरी इलाके के पार्कों के नवीकरण के लिए उनका उद्घाटन किया गया, जिस पर लाखों का खर्चा आएगा। अभी आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से इन पार्कों का सौंदर्यकरण बढ़ेगा। आइए देखें यह खास रिपोर्ट। ठीक है ओके जी, खोलो जी, करो जी उद्घाटन। आज जय करे वीर बजरंगे, बोले सो निहाल। ओके रख के फोटो कर ले, वीडियो बंदी थोड़ा एक मिनट खालो 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 चलो चलो बैठ गई है। ओके एक मिनट संजीव, वार्ड नंबर 99, वार्ड नंबर 87, वार्ड नंबर 95, तकरीबन 4-5 वार्डा का जोड़ा हल्के पार्क पेंदे ने, क्योंकि बहुत देर तो तकरीबन 2002 जो मैं अजे कौंसल इतने बनया से उदो ये पार्क बनाए थे, उस तो बाद डिवेलपमेंट नहीं हुए। अज लोगों की डिमांड थी, क्योंकि इलेक्शन दौरान लोगों ने मांग रखी थी कि सानू ये पार्क का दोबारा तो इनू ठीक करवा दौ, कई जगह तो गिल्लां टुटी हुई ने, दीवारां भी टुटिया हुई ने, और तकरीबन जिहड़े फाउंटेन लगाए थे असीं वो फाउंटेन सारे खराब हो गए, और तकरीबन चोरी भी हो गए, कई जगह तो टुट गई है। अज असीं दोबारा तो यदा एस्टीमेट बना के बुढ़े नाले तो लैके जलंधर बाईपास चौंक तक दोनों साइडों के जो पार्क ने तकरीबन 88 लाख की लागत के नाल ये सार दोबारा तो रिपेयर भी होंगे, जिते इतने दोबारा तो नवे बने जगह होगी नवे बनावे, फाउंटेन जितने खराब ने या ठीक कराने वाले ने वो ठीक ही करावे, और तकरीबन इस इलाके को एक बहुत बड़ी राहत मिलनी है, क्योंकि अज लोड़ भी है सानू कोई जिस तरह पोल्यूशन वध रहा, पोल्यूशन रोकने वास्ते बागबानी या बूटे साडे लगाने बहुत जरूरी ने, और तकरीबन जिहड़े पार्क ने इस नाल इस इलाके नूं बहुत वड्डी राहत है। इस नूं दोबारा तों असीं ठीक करवा के लोगों की सपुरद करांगे, लोग इत्थे काफ़ी क्वेंटिटी दे काफ़ी गिनती में सैर भी करते हैं, और आस है कि आने वाले टाइम इस तरह ही आप अपनी सेहत सेवाओं नूं देखते हुए आबो आब नूं देखते हुए यदा काम करवाना बहुत जरूरी सीगा। असीं अज इसका स्टार्ट किया, तकरीबन 15-20 दिन के काम कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 दिन तो बाद लोगों के सपुरद कर दिया जाएगा, और तकरीबन ये कई जगह से पानी की घाट होने करके बूटे सुक जाते जरूरी लगनगे, जिस नाल पानी की जी किल्लत है या दिक्कत आ रही थी बूटे पानी लगाने के वो भी नाल लगावे, और आने वाले टाइम से इस तरह ही आप शहर को खूबसूरत बनाने वास्ते हरा भरा बनाने वास्ते लोगों का सहयोग मांगा, क्योंकि तकरीबन बूटे नाल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उन्होंने भी असं हरा भरा कर जा रहे हैं। तकरीबन नहीं नहीं पार्क दियाँ मैं उसने एज ए कौंसलर बनाई सी, ये वार्डा के आदियां ने, पर जगह है ये कारपोरेशन की जगह है, और तकरीबन साढ़े हैंड ओवर ही हुई है, पहले जंगलात महकमे होती थी हूँ साड़ी कारपोरेशन को है, अभी सारी तकरीबन 1997 तो लैके अच्छे अभी देख रहे अभी आप कर रहे हैं, और जो पार्क ने जो दोनों साइडा से असं वधिया इन्होंने पार्कों के लगातार देखा जा रहा है, लोगों की कह रहे हैं कि इतने ज्यादातर जुआरिए या नशेड़िए या फिर ताश वाले बैठे रहते हैं, जिन्हों करके महिलाओं को बड़ी दिक्कत आती है इन्होंने पार्कों से। नहीं दिक्कत नहीं आती, मैं इतने ही रहना, मैं देखता रहना, कुछ जगह तो हैगा जिते असी वाहे बगाए पुलिस लगा के भजाते भी है, क्योंकि जो सा बजुर्ग ने जुए का काम नहीं है, मैं कह सकता जो सा बजुर्ग ने जो बेचारे मैं इतने पार्क के सीनियर सिटीजन होम बनाया उसे बजुर्ग बैठते हैं, और बाकी पार्क कई जगह सा बजुर्ग बह के अपना टाइम पास करते हैं, ताश खेलना एक युवा खेलना अलग बैटर है, पर कितने ना कि जो बजुर्ग सा टाइम पास करते हैं उन्होंने वास्ते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो जुए की गल करते हो ऐसा कोई माड़ा अंसर आएगा अभी भजावे बिल्कुल, और ना ही इतने कोई नशे का काम हो देना, ना ही कोई जुए का काम हो देना, तकरीबन असी सारियां कमेटियां बना देनी है। पहला मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूँगा, और धन्यवाद करूँगा साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का, साड़ी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब का, और हल्के के MLA चौधरी मदन लाल बग्गा जी का, क्योंकि अज तो लगभग 1 साल पहले जो इलाका निवासियों ने जो प्यार दिता मुहब्बत दी ये उन्होंने ही सदका है, और इन्हों की पूरी जो डिमांड से इलाका निवासियों की कोई पार्कों की जो ग्रीन बेल्ट बग्गा जी ने अपने कौंसल के टाइम के 2002 डिवेलप कराई थी,
तकरीबन वह 15 to 20 साल तो पिछे तो जो देखा जा सकता तुम्हें भी देखा जाके मौके से जो पार्कों की कंडीशन सी एट प्रेजेंट बट उन्हू मुख रखते हुए अच्छ सारे पार्कों के सारी द्वारा वो नवीनीकरण का काम शुरुआत कराई गई है। मैं इलाका निवासियों को धन्यवाद भी करता और इन्हों बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना क्योंकि जिन्हें साढ़े बजुर्ग ने उन्होंने टाइम पास कर घूमन का एक साधन है कि पार्क उन्होंने पार्कों असी जिदा पहले 2002 to 2007 हरा भरा बनाया से उम्मीद है कि इन्हों के सहयोग न हम अगों भी आने वाले टाइम इदा ही हरा भरिया खिड़िया बना पहले तो बग्गा साहब का उन्होंने बेटे का बहुत धन्यवाद है फिर देखिए 2002 बग्गा साहब कौंसलर बने थे उदो मैं उन्होंने बहुत नाल सी इलाके का बहुत बुरा हाल सी ना सड़क ना सीवरेज ना पार्क लुधियाने के सब तो पहले अगर पार्क बने से वह बग्गा साहब ने बनाए थे मेरे हिसाब से अभी 20 साल हो गए ने चाहे कोई सरकार आई हैं कौंसलर बने ने लेकिन इस इलाके की कोई नुहार नहीं बदली हुण बग्गा साहब ने इतों लैके बाईपास तक जिन्हें पार्क ने सब वधिया तो वधिया बना रहे हैं क्योंकि इस इलाके दे विच बग्गा साहब दे नाल बग्गा साहब दे बच्चे ने दोनों वो भी बहुत लायक ने उन्होंने भी फादर साहब दे नाल सहयोग करके अपन इलाके नूं बहुत वधिया काम दिता है क्योंकि इन्हें सानूं पता है भी इलाके दे विच इस टाइम जिहड़े ने वो 3 नॉर्थ दे विच 3 MLA ने ते लोकां नूं इन्नी फायदा मिल रहा है कि जे एक अगर बिजी है तो दूजे बच्चे कोलों काम लैके वो MLA दे रूप में काम कर रहे हैं।